चाहिएगा उस तरह आप बढ़ सकते हैं। जिस तरह आप देखते हैं छड़ी देखते होंगे, कांच की कच्चा जो बांस का छड़ी होता है तो उसको जिस तरह लगाइएगा, टेढ़ा कीजिएगा तो टेढ़ा होता है, सीधा होता है। उसी तरह हमारे जो भी छात्र यहाँ है, तभी एकदम कोरा कागज है, उस पर जो भी हम लोग लिखेंगे, आपके जो गुरुजी लिखेंगे या आप जो उस पर लिखना चाहेंगे, दिल में बैठाना चाहेंगे, वह अवश्य आपको याद रहता होगा और ऐसा कर सकते हैं। परिपक्व हो जाने पर, जिसकी उम्र काफी हो जाए, 60-70 वर्ष हो जाए, तो आपके जैसे पढ़ने में उनको मन नहीं लगेगा, लेकिन आपको अभी आपके माता पिता, आपके गुरुजी जिस हिसाब से पढ़ाएंगे, जिस ढंग से पालेंगे पोसेंगे, उस ढंग से आप बढ़ सकते हैं। तो आप अपने आप को बढ़िए, आगे बढ़िए, और आगे जब बढ़िएगा तो हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का, हमारे परिवार का, सबका नाम रोशन होगा, इज्जत सम्मान मिलेगा, आपको भी मिलेगा और हमारे क्षेत्र, हमारे गांव को भी इज्जत मिलेगा और आपके गुरुजन को भी इज्जत सम्मान मिलेगा। इसलिए आप सब ईमानदारी से इस संस्था से जुड़िए और इस संस्था में आप सब मिलकर के अध्ययन अध्यापन कीजिए और आपके जो भी गुरुजन होंगे, गुरुजी हैं, जो भी लोग हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि आपने जिस तरह से बच्चे को उत्साहित करने के लिए यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के बुक देने का काम कर रहे हैं, साइकिल पुरस्कृत करेंगे, बैग घड़ी इत्यादि चीज दे करके बच्चे को उत्साहित करने के लिए आपने हम लोगों को भी बुलाया। इसके लिए आपके कोचिंग के सभी संस्थापकों को, सभी गुरुजी को, सभी भाइयों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। अब हम लोग के बीच